इसके पीछे कैमरा बंद कर दूंगा, बता रहा हूँ। हाँ, हो गया। सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। दारू चाहे दारू ना हमके मेहरारू चाहे के बाद ये भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे पहले अजय जी एक भूत वाली फिल्म, हॉरर फिल्म लेके आ रहे हैं और मुझे भूत में काम कर रहा हूँ और इसमें भी मेन लीड कर रहा हूँ मैं। और सबसे बड़ी और एक खुशी की बात है कि पहली बार शबनम मौसी इसमें रोल कर रही है तांत्रिक का, और भूत का रोल कर रहे हैं गिरीश शर्मा जी और राजेश मिश्रा जी हैं, अंजना जी हीरोइन है, अंजना डब्शन जी और काफ़ी लोग हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार भूत की फिल्म बन रही है और उसमें मैं काम कर रहा हूं, तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रहा हूं। इससे पहले आप गिरीश जी के साथ काम कर चुके हैं? नहीं नहीं, गिरीश जी के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छा, अभी दो फिल्में हैं गिरीश जी, दारू ना मेरारू चाहे में भी कर रहे हैं और गिरीश भैया मेरे बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े भाई हैं और अच्छे एक्टर हैं। जी इसमें मैं बहुत एक अच्छा इंसान का रोल कर रहा हूँ जो पेशे से दर्जी है और एक अच्छा इंसान है और जो भूत का कहर पड़ता है, जो भी करता है वो कैसे कैसे लड़ाई लड़ता है, बचाता है, यही हमारी भूमिका है। इस फिल्म में एक्शन रहेगा? हाँ, हॉरर फिल्म है तो जाहिर सी एक्शन है ही, एक्शन प्रधान फिल्म है और सामाजिक फिल्म है और भूत वाली फिल्म है तो ज़्यादा डरावनी फिल्म है और एक मैसेज है। इन्होंने एक बीड़ा उठाया कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार मैं भूत के ऊपर फिल्म बना रहा हूँ। फिल्म का लोकेशन कहाँ रहेगा? जी फिल्म का लोकेशन है अपना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इस फिल्म में कितने गाने हैं? हॉरर फिल्म। इस फिल्म में 10 गाने हैं। 10 गाने? इस गाने को कौन-कौन गाए? इस फिल्म के गाने जी इसमें मोहन राठौर जी गाए हुए हैं और इंदु सोनाली जी गाए हुए हैं, कल्पना जी, यही सब लोग अच्छे अच्छे सिंगर। मेरे हाँ नहीं नहीं मार्केट की है, मेरे पूज में मार्केट की ही हीरोइन है अंजना डब्शन जी ने, उन्होंने काफ़ी फिल्में किया है। मैं एक फिल्म किया था उनके साथ, मुनीर खान जी डायरेक्टर थे, जिस फिल्म का नाम था भैया बड़ा पैसे वाला, हिंदी फिल्म थी, उसमें मैं भी काम किया था, अंजना जी भी काम की थी। अजय जी के बारे में क्या कहेंगे? मतलब हाँ अजय जी के बारे में मैं जो भी कहूँगा वो बहुत अच्छे इंसान है। मैं तो जानता था कि बहुत अच्छे PR हैं लेकिन बहुत ग्रेट आदमी है, मतलब इतने अच्छे राइटर, इतने अच्छे मतलब लिरिक्स राइटर और एज ए डायरेक्टर, मतलब समझ लीजिए क्रिएटिव हिज, मतलब गुड पर्सन, बहुत अच्छा। आपको इस फिल्म से कितना